कंस्ट्रक्शन जो अभी मैंने करवाया उसकी तीसरी प्रॉपर्टी रह गई थी। तीसरी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कैसे सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए मैंने कहा था कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो तब हम कहेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखिए मान लेते हैं जी, मैं सेट ऑफ रैशनल नंबर से एक एलिमेंट मैंने ले लिया ए, आर्बिट्रेरी कुछ भी, तो अगर ए लिया है तो वो इस फॉर्म का होगा। जो एलिमेंट लिया मैंने सेट ऑफ रैशनल नंबर से तो वो इस फॉर्म का होगा, जाहिर सी बात है। तो पी और क्यू इंटीजर्स हैं और क्यू नॉन ज़ीरो है, याद रखना है। तो तब क्या होता है, अब देखिए रैशनल मैंने बोला कि अगर कोई भी इस प्रॉपर्टी का, ये जो एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी मैंने लिखी प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये है कि आइडेंटिटी का मतलब वो होता है कि अगर कोई भी मैं एलिमेंट लेता हूँ किसी सेट में, उसमें आइडेंटिटी का मतलब ये है कि अगर उसमें मैं ऐसा नंबर डालूँ जिसमें जिसको जिस पर ऐसा नंबर लूँ, मतलब वो आइडेंटिटी ऐसा नंबर लूँ कि अगर उस नंबर पे वो नंबर और जो मैंने एक एलिमेंट लिया सेट ऑफ फ्रैक्शन नंबर पे दूसरा, उन पर बाइनरी ऑपरेशन अगर ऑपरेट करूँ तो वापस मुझे वही नंबर मिले जो लिया मैंने, तो उस टाइम बोलेंगे आइडेंटिटी। अब आप भी सोचो ज़रा कि रैशनल नंबर में अगर मैं ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिन पर जिनको तो मतलब जिन से जिन पर मैं आइडेंटिटी लगाऊं और वापस मुझे वही मिले, तो देखिए अगर मैं 1/2 रैशनल नंबर की बात करता हूँ तो 1/2 के साथ में क्या, अब अंडर मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करूँ तो वापस वही आए। 1/2 को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 2/2 1 आ जाएगा, तो ये सेम नहीं आ रहा। 1/2 लिया था तो 1 आ गया, 1/2 लिया था तो 1 ही आना, 1/2 ही आना चाहिए। तो इट मीन्स रैशनल नंबर में एक ही 1 ऐसा एलिमेंट है जिसको मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो वापस मुझे वही एलिमेंट मिलेगा। तो हमें बोलूँगा देन ये जो ए मैंने लिया पी या पान क्यू की शक्ल का, उसके साथ मैं 1 मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे वापस ए ही मिलेगा। तो जैसे कि ए की जगह पर सपोज मैं लिख रहा हूँ, मतलब 1 की जगह पर 1 आ गया और ए की जगह लिखता हूँ मैं पी अपॉन क्यू, तो 1/1 इंटू पी अपॉन क्यू, इसका मतलब है पी अपॉन क्यू, और पी अपॉन क्यू वापस किसके बराबर है, ए के बराबर। तो ए डॉट 1 मतलब एक ही एलिमेंट ऐसा है रैशनल नंबर में, एक ही एलिमेंट 1 ऐसा एलिमेंट है जो आइडेंटिटी होता है, क्योंकि 1 को किसी अंडर मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, अंडर मल्टीप्लीकेशन की बात, लेकिन जब अंडर एडिशन की बात करेंगे तो तब आई थिंक 0 होता है, 0 रैशनल नंबर, 0 एक ऐसा रैशनल नंबर होता है जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, लेकिन अंडर मल्टीप्लीकेशन के केस में 0 नहीं। अंडर मल्टीप्लीकेशन के केस में आप लोगों को याद रखना है कि एक जो 1 है, ओनली 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इट मीन्स अगर 1 इज़ अ रैशनल नंबर तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि अगेन रैशनल नंबर जो मैंने जो गिवन अकॉर्डिंग टू गिवन बाइनरी ऑपरेशन था वो ऑपरेट किया तो वापस मुझे वही एलिमेंट दिखा। इट मीन्स अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगी तो मैंने बोला वो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है, तो इट मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी क्या है, एग्जिस्ट कर रही है। तो 1 यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस, ठीक है। तो उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब वो चेक करना है, अगर वो भी हो जाती है प्रॉपर्टी सेटिस्फाई तो फिर ये जो उन्होंने पूछा ये गलत है, ये गलत हो जाएगा। तो अब चौथी प्रॉपर्टी चेक करते हैं क्या है, 3 तो सेटिस्फाई होगी, अगर एक भी प्रॉपर्टी फेल होगी तो ग्रुप नहीं होगा वो, ठीक है ना, याद रखना है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए अब फोर्थ प्रॉपर्टी कह रही एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए मैंने कहा कि जो ए स्टार बी, मतलब कोई भी 2 एलिमेंट लूँ उस पे बाइनरी ऑपरेशन लगाऊँ तो मुझे मिलना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट अभी हमने इस क्वेश्चन में क्या निकाला है, 1। तो अब इट मीन्स जो भी इधर हम नंबर लेंगे उन पर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन डिफाइन करने के बाद हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो ऐसे 2 कौन से नंबर हैं भाई, देखिए 0 रैशनल नंबर होता है, तो आई थिंक ये प्रॉपर्टी फेल होने वाली है,
जीरो रैशनल नंबर होता है, लेकिन जीरो का अगर जीरो मैंने सपोज लिया, देखिए ना एक्सपेंस ऑफ इनवर्स मैंने क्या बोला था कि अगर कोई एक एलिमेंट जी से लेता हूँ मैं ए इन जी, तो देर एग्जिस्ट उस टाइम एक दूसरा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा बी इन जी। तो इधर भी मैं मान लेता हूँ ए की जगह पर जीरो ले लिया मैंने, जीरो इन क्यू मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर से मैंने जीरो लिया। तो लेकिन अगर तो इट मीन्स कि देर एग्जिस्ट एनदर नंबर, अगर मैंने जीरो क्यू से लिया तो दूसरा कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा, लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एग्जिस्ट तब करेगा तब मतलब एग्जिस्ट करके अगर आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है तब हम कहेंगे ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन इधर अगर मैं जीरो के केस में जीरो लूँ तो जीरो के अगेंस्ट कोई ऐसा एलिमेंट मुझे नहीं दिखेगा कि जिसको मैं जीरो के साथ मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि ए जीरो है तो जीरो के साथ ऐसा कौन सा नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे रैशनल नंबर में कि आंसर हमारा ई आए मतलब वन आए। तो ऐसा कोई नंबर है भाई जीरो के साथ के जीरो के साथ मैं मल्टीप्लाई करूं कोई भी रैशनल नंबर और आंसर वन आए, ऐसा कोई नहीं। तो इट मीन्स अगर जीरो क्यों में लिया है तो देर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ए इन क्यू, कोई भी ए क्यू के अंदर नहीं होगा सच दैट कि वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हो कि जीरो डॉट ए मतलब वो जो ए एलिमेंट है उस पर मतलब जो ए ले रहे हैं हम दूसरा एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे इधर बी एग्जिस्ट कर रहा था इधर ए एग्जिस्ट कर रहा है उस पर मैं बाइनरी ऑपरेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन लगाऊं तो आंसर वन आए, ऐसा कोई भी नहीं है। तो इट मीन्स हम कहेंगे जीरो हैज नो मल्टीप्लिकेशन इनवर्स इन क्यू, कि इस क्वेश्चन के अंदर सेट ऑफ रैशनल नंबर में क्यू का जीरो का कोई मल्टीप्लिकेशन इनवर्स नहीं है। तो तब हम कहेंगे देन द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्यू डॉट, इसका मतलब ये है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर पे अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसको कैसे पढ़ते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, एक ऐसा ग्रुप है ये, इसलिए दिस ग्रुप सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अ ग्रुप। तो क्वेश्चन यही वो कह रहा था कि शो कीजिए कि क्या ये ग्रुप है कि नहीं, क्या ये ग्रुप है कि नहीं, यही क्वेश्चन हमने प्रूव करना था। तो प्रूफ हो गया भाई, क्योंकि प्रूफ करने के लिए चारों प्रॉपर्टी दिखानी पड़ती हैं, अगर चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है तो ग्रुप है, अगर चारों में से एक भी फेल हो जाती है तो वो ग्रुप नहीं कहलाएगा। तो देखिए पहली तीन तो सेटिस्फाई कर रही थी, लेकिन चौथी जो प्रॉपर्टी आई एक्सटेंस ऑफ इनवर्स, उसमें जीरो एक ऐसा एलिमेंट है रैशनल नंबर के अंदर जिसका कोई इनवर्स कोई मतलब ऐसा मतलब जीरो के साथ कोई भी दूसरा अगर रैशनल नंबर मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट वन दिखे, ऐसा कोई नंबर है नहीं है। तो इसलिए ये जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी तो थस द सेट ऑफ रैशनल नंबर डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप। तो मैंने लिख लिया देन द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्यू डॉट, इसका मतलब यही है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अ ग्रुप। तो आई होप आपको समझ आया होगा इतना। तो अब इसी के रिलेटेड आपको क्वेश्चन है जो आपको ग्रुप के रिलेटेड एग्ज़ाम में आते हैं, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो अब इसी के रिलेटेड तीन चार क्वेश्चन या दो तीन क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो आपने खुद करने हैं। तो फिर उसके बाद ये थे मतलब फिर ग्रुप का टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबेलियन ग्रुप, नॉन अबेलियन ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप और ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, उसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और अभी मैं जो तीन क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको इधर, वो आपने होमवर्क करना है, पॉज कर। अब आई होप के जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन करवाया आपको वो समझ आ गया होगा सबको अच्छे तरीके से। अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा पॉज कर, अब ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन ये आपको होमवर्क है, ये सेम उसी तरीके से है जिस तरीके से मैंने अभी क्वेश्चन आपको करवाया है। आपने उस ये जो मैंने वीडियो अभी बनाई इस क्वेश्चन की, इसको अच्छे तरीके से समझो, सही तरीके से समझो, आप ये क्वेश्चन खुद ब खुद कर लोगे। यही क्वेश्चन तुम्हारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं समझना इनको, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं तुम्हें। जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन करवाया वो भी एक्सरसाइज का था और उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन ये भी एक्सरसाइज के हैं और ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी आते हैं, याद रखना ठीक है। इसके बाद हम जब ये आप सारे कर लोगे तो फिर हम पढ़ेंगे अबेलियन ग्रुप के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा, और जिसको भी जो भी कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ओके थैंक यू। तो ये क्वेश्चन सारों ने करने हैं, ये तुम्हारा होमवर्क है, याद रखना ठीक है ना, फिर मुझे पता लगेगा ना कि आपको समझ आ रही है नहीं। तो इन क्वेश्चन को करने से पहले मेरी जो मैंने वीडियो बनाई है उसको सही तरीके से समझना होगा आपको, उसको समझो तो ये क्वेश्चन खुद ब खुद कर लोगे।
और एक दो क्वेश्चन और भी हैं अभी, वो मैं आपको उसका फोटो भेज दूंगा उन क्वेश्चनों के, तो वो भी हैं, वो भी दूंगा, वो भी कर ट्राई करना, ठीक है ना? ओके, थैंक यू।